फॉर्चून सुप्रीमो लालू यादव और मीसा भारती का झारखंड दौरा है। दीपावली के तुरंत बाद चुनावी अभियान में जुटेगी आरजेडी। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य को भी आरजेडी की तरफ से भेजा गया है न्योता और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आरजेडी तैयार। सभी विधानसभा में आरजेडी के नेता करेंगे चुनाव प्रचार। तो बड़ी खबर आपके जमसर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जहां पर दीपावली के तुरंत बाद ही झारखंड दौरा होने वाला है। बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आरजेडी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है और इसी को लेकर के झारखंड दौरे पर आएंगे। सभी विधानसभा में आरजेडी के नेता करेंगे प्रचार प्रसार। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार प्रसार जोर पकड़ेगी आरजेडी की तरफ से और इसी को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती का झारखंड दौरा होना है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। दीपावली के तुरंत बाद चुनावी अभियान में जुटेगी आरजेडी। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। इसी के कड़ी में आरजेडी भी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है और प्रचार प्रसार के लिए जुटने लगी है आरजेडी। बता दें आपको कि सभी विधानसभा में आरजेडी के नेता चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। आरजेडी के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे, लोगों तक जाएंगे और प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मीसा भारती का झारखंड दौरा होना है। आप बता दें कि झारखंड दौरे पर आने वाले हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मीसा भारती। तो कह सकते हैं कि झारखंड के चुनाव में सक्रिय होती नजर आ रही है आरजेडी। आरजेडी का चुनावी प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। प्रचार प्रसार करने के लिए ही लालू यादव और मीसा भारती झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। दीपावली के तुरंत बाद ही आरजेडी चुनावी अभियान में जुट जाएगी और इसी की कड़ी में प्रचार प्रसार का सिलसिला तेज होगा, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती आने वाले हैं झारखंड दौरे पर। और उनका ये दौरा काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर वो आएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। झारखंड में चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। प्रचार प्रसार का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती भी झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ पर आकर के वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो रोहिणी आचार्य, जब पता चले कि बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आरजेडी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इसी तैयारी में सभी विधानसभा में आरजेडी के नेता चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो आरजेडी के नेता भी काफी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं जब वो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जुटेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और मीसा भारती का झारखंड दौरा होना है और इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। दीपावली के तुरंत बाद ही चुनावी अभियान में जुटेंगे आरजेडी। आरजेडी जो है तुरंत ही दीपावली के बाद चुनावी अभियान में जुटेगी, जहां पर रोहिणी आचार्य को भी आरजेडी की तरफ से न्योता भेजा गया है। उनको भी झारखंड बुलावे के लिए न्योता दिया गया है, तो हो सकता है कि वो भी आए। लेकिन फिलहाल लालू यादव और मीसा भारती झारखंड आने वाले, उनका झारखंड दौरा है। दीपावली देश दीपावली मना रहा है और दीपावली के तुरंत बाद ही चुनावी अभियान में आरजेडी जुटेगी क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में ज्यादा वक्त रहे नहीं है, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब जो है चुनावी फिजा पूरे तरीके से झारखंड में देखने को मिल रही है। कोयलांचल में पूरी अगर बात की जाए तो फिजा जो है वो चुनावी हो चुकी है और हर राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। बात अगर आरजेडी की जाए तो आरजेडी भी चुनावी प्रचार प्रसार में कूदती हुई नजर आ रही है और इसी की कड़ी में झारखंड में दौरा होना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती का। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोइजुद्दीन लाइव जुड़ गए हैं। जी मोइजुद्दीन, झारखंड में चुनाव है और चुनावी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रचार प्रसार के जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती जो है वो झारखंड आने वाले, क्या जानकारी? बिल्कुल सभा, देखिए झारखंड में भी नहीं बल्कि पूरे देश के लोग दिवाली मना रहे हैं और दिवाली में अपने घर में दिए जला रहे हैं। ऐसे में इन त्योहारों के बीच की अगर बात करेंगे, लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्यौहार विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में इस चुनावी तैयारियों के बीच झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां भी चुनावी रणनीति और तैयारी में है। ऐसे में झारखंड महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो कहेंगे लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती झारखंड आने वाले हैं
और कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार प्रसार में जुटने वाले हैं। मौका है दिवाली का और दिवाली के ठीक बाद लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और जितने भी स्टार प्रचारक है ये तमाम लोग कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार प्रसार में लगेंगे और एक बड़ी जीत के लिए अपनी तैयारियों में करेंगे। हमारे पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बात भी कराएंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब झारखंड में राजद अपनी फिर से सक्रियता दिखा रही है और कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति को करते हुए अपने संगठन को भी एक नई मजबूती देने के प्रयास में है। फिलहाल जिस तरह से 5 से 7 सीटों में जिस तरह से राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन तमाम 81 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी सक्रियता के साथ जीत हासिल करने की बात भी कर रही है। फिलहाल राजद के जो चुनाव अभियान समिति के जो प्रभारी हैं कैलाश यादव ने इन तमाम चीजों की जानकारी दी है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड आने वाले हैं और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अगर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अगर झारखंड आते हैं और उनके साथ साथ मीसा भारती आते हैं तो अपने आप में राजद के लिए, राजद के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी बात होगी और खास करके झारखंड की सियासत के लिए भी, झारखंड की सरजमीन के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक नेता ही नहीं, एक पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक विचारधारा है और जिस तरह से झारखंड राज्य में उनकी भूमिका रही है, बिहार के साथ साथ झारखंड राज्य में और पूरे देश भर में जो उनका योगदान रहा है ये कहीं ना कहीं अतुलनीय माना जाता है। लोगों के मुताबिक ये भी मानना है कि लालू प्रसाद यादव का जिस तरह से झारखंड आगमन हो रहा है ये अपने आप में इस चुनावी रणनीति में, इस चुनावी सीजन में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता का संकेत है। पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे सभा कि लोग जो है वो पार्टी में सक्रियता जो है पदाधिकारियों की वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। खास करके चुनाव समिति जो है वो काम कर रही है पूरे 81 विधानसभा में, कैसे काम होगा, कैसे चुनावी रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। खास करके इस समिति के अलावा कार्यालय में यहाँ पर वार रूम भी बनाया गया है और 3 शिफ्टों में पदाधिकारियों को बांटा गया है जो कि सुबह से लेकर रात तक कार्यालय परिसर में रहेंगे और किसी भी तरह की कार्रवाई या किसी भी तरह का जो काम होगा पार्टी से संबंधित वो लोग यहाँ पर उसको अमल करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में लगातार जिस तरह से अपने आप को उपेक्षित महसूस करती रही है, लेकिन इस बार एक बड़ी मजबूती के साथ, महागठबंधन के साथ इस चुनाव में कूद रही है और कहीं ना कहीं सफलता कैसे मिलेगी तमाम चीजों पर विचार भी किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि चुनाव अभियान समिति के प्रभारी कैलाश यादव ने तमाम जानकारियां दी हैं, तो सीधे तौर पर कैलाश जी से जुड़ते हैं कि कैलाश जी, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मीसा भारती झारखंड आ रहे हैं, तो उनका इस सरजमीन पर आना पार्टी को कितना बल देगा? निश्चित तौर पर पार्टी को काफी बल देगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के चाहत और मांग पर आ रहे हैं और झारखंड का संरचना करने वाले और झारखंड का समाजवादी प्रदेश बनाने वाले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, क्योंकि उनको उनके संघर्ष और उनके विचारों का देन है कि झारखंड राज्य बना। तो निश्चित तौर पर यहाँ के दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर जो समाज है, जो आदिवासी समाज है, ये सारा लोग चाहते हैं कि लालू जी आवे, चूंकि लालू जी इसके प्रणेता रहे हैं और सामाजिक न्याय के जनक रहे हैं, प्रतिमूर्ति हैं, तो उन्होंने बनाया है इस राज्य को और जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है राज्य का, वो लालू जी का बनाया हुआ किताब है, इस किताब को बंद नहीं होने दे सकते हैं। तो उनके दिल में दर्द है झारखंड के प्रति, उनका तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर मना किया फिर भी उनका दिल नहीं मानता कि हम झारखंड जाएंगे, झारखंड आ रहे हैं, झारखंड में उनका स्वागत है और राज्य की जनता उनको बेसब्री से जो है कि चाहती है कि वह आगे 2 शब्द बोले। बिल्कुल, राज्य की जनता चाह रही है। कैलाश जी, हम बात करेंगे, प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है, वो सीधे तौर पर जिस तरह से चक्रव्यूह जो रचते हुए इस चुनावी समर में काम कर रही है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन को घेरने का प्रयास कर रही है, यहाँ तक के जो बड़े दिग्गज नेता है उनका आगमन भी झारखंड हो रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में ही उनको, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आगमन नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ऑलरेडी 3 महीना से यहाँ कार्य कर रहे हैं और एक वर्कर के तरह, कार्यकर्ता के तरह जो है कि अपने राजपाट छोड़कर यहाँ पर जमे हुए हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी की साख जो है कि राज्य की जनता के बीच में नहीं हो रही है, राज्य की जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया है। इन्होंने लाख प्रयास किया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ दी, सबसे ज्यादा परिवारवाद का कोई पार्टी रहा तो बीजेपी रही, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, आप इसका लिस्ट निकाल के दे सकते हैं कि लगभग सभी नेताओं के परिवार को ही टिकट दिया गया। क्यों दिया गया, ये नौबत क्यों आई, भारतीय जनता पार्टी और आप लोग भी समझ सकते हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के नेताओं में साख नहीं बचा है बीजेपी का और जनता ने इसको बीजेपी के नेताओं को खारिज कर दिया। कैलाश जी, हमने उपाध्यक्ष रविंद्र राय जी से भी बात की, उन्होंने कहा है कि झारखंड में हेमंत सरकार में फिर से नक्सलवाद सर उठा रहा है,
रविंदर आए तो कल तक मचल रहे थे, परेशान थे कि हमारा क्या होगा, बोलते थे कि अब तुम्हारा क्या होगा कालिया, अपने नेताओं को बोलते थे। अच्छा बीजेपी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया तो उनकी भाषा बदल गई। ये सब बात का अब कोई वजूद नहीं रह गया, दम नहीं रह गया। हेमंत सोरेन जो कि डंके की चोट पर 5 साल सरकार चलाया है और बहुत मजबूती से बहुत बेधड़क धारा प्रवाह सरकार चलाया है, और हेमंत सोरेन ने कई नेता भी पैदा किया अपने दल में और गठबंधन के दलों में, तो इसलिए बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। और बीजेपी के जो सहयोगी है वो तो नतमस्तक पार्टी है, उनकी तो चर्चा करना भी वो तो नाम के लिए सहयोगी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनौती हम लोग बहुत पहले जो कि छोड़ चुके हैं, इसलिए हम लोग का मुकाबला कहीं पर है नहीं। और महागठबंधन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीट से जीतेगा, मैं आपको बार बार कह रहे हैं। बीजेपी का जो आकांक्षा है, जो सोच है, दर्जन सीट भी अगर पार कर जाए तो हमको लगता है कि झारखंड में पार्टी की चर्चा में रहेगी, अन्यथा हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना के साथ साथ विभिन्न योजना को विफल बताते हुए ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, स्वर्ण या फिर तमाम जो जाति वर्ग हैं, इनका उत्थान, इनका विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, क्योंकि अब तक हेमंत सरकार ने इन्हें ठगने का इस तरह के आरोप। देखिए बीजेपी को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और आईना भी देखना चाहिए। 25 साल के शासन में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम क्या किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, सबसे पहले लोगों में भेदभाव जो है कि पैदा किया, नफरत जगाने का काम किया, और सबसे घातक काम जो किया वो जो आरक्षण में कटौती किया, जो हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो निर्देश था, जो आदेश था, जिसको कमंडल की राजनीति में हमारा जो है कि मंडल कमीशन लागू हुआ, और मंडल कमीशन के तहत जो कि हमको कानूनी संवैधानिक मान्यता मिला 27% आरक्षण का, उसको बाबूलाल मरांडी ने कटौती करके 14% कर दिया। अनुसूचित जाति जो दबे कुचले जाति जो समाज के लोग हैं, जो दलित समाज जिसको कहा जाता है, उनको 15% कटौती करके 10% कर दिया। तो आपने दिया क्या, आपकी मानसिकता हमेशा जो है कि कट्टरपंथी विचारधारा नफरती रही है, जन विरोधी रही है, आप उसका परिचय कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और उसका नतीजा है कि आज करीब 20 लाख युवा जो है कि बेरोजगार हो गए, उसका दंश आज भी। कैलाश जी, एक अंतिम सवाल मेरा होगा कि अब विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में ये अंतिम दिवाली भी मानी जा सकती है, तो इस दिवाली में कैसा दिया जलाएंगे जो कि झारखंड गठबंधन को रोशन करेगा या फिर कहीं विफलता मिलेगी? देखिए दिवाली तो अंतिम नहीं हो सकती है, दिवाली अनंत है, क्योंकि ये ईश्वर और प्रकृति का बनाया हुआ चीज है, इस स्वच्छ और सद्भाव का प्रति त्योहार है, और इसमें जो है कि प्रकाश और अंधेरा का त्योहार है। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन सरकार में प्रकाश आएगा और विरोधियों में फिर से अंधेरा छाएगा। हम लोग का जो है कि हम लोग का दिल जो है कि 4 चांद लगाएगा, हम लोग घी के दिया जलाएंगे, और विपक्षी निश्चित तौर पर अपना दिल जलाने का काम करेगा। सभा तो सुना आपने, इन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो दिवाली आई है, इस दिवाली में हम ऐसा दिया जलाएंगे, घी का दिया जलाएंगे, जो हमेशा से महागठबंधन को रोशन करेगा। और ऐसे लोगों को इन्होंने विपक्षियों को भी कई आरोप भी लगाए हैं कि कहीं ना कहीं वो जलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहना दिलचस्प होगा, या कह सकते हैं कि कहना गलत नहीं होगा, कि झारखंड में महागठबंधन में शामिल आरजेडी फिर से एक बार अपनी सक्रियता है, अपना दल या कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल अपना बल दिखाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी इस चुनावी सबर में, इस चुनावी रन में जीत किसे मिलती है, हार किसे नसीब होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जिस तरह से सक्रियता बढ़ रही है और लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती जैसे दिग्गज नेताओं का, बड़े नेताओं का अगर झारखंड आगमन हो रहा है, तो यहाँ की सरजमीन में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात कह दे आपको कि तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव अगर इस तरह से झारखंड आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, मीसा भारती आ रहे हैं, और तमाम स्टार प्रचारक जो है झारखंड के 81 विधानसभा में जिस तरह से जनता को कनेक्ट करने पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड महागठबंधन को भी एक बड़ा फायदा होगा और राजद की इसमें बड़ी भूमिका दिखने वाली है। सभा जी बिल्कुल मोहसिन, अभी ये देखना बाकी है कि इस चुनावी समर में और क्या क्या कुछ होने वाला है, ये और कौन से रंग दिखाएगी।